मायापुरी न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं हूँ छाया। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। इस तमिल सुपरस्टार को अपना गुरु मानते हैं अमिताभ बच्चन। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने खुद को साउथ के दिवंगत सुपरस्टार शिवाजी गणेशन का शिष्य बताया है। अमिताभ तमिल फिल्म में डेब्यू के लिए तैयार हैं। 76 साल के अभिनेता ने ट्विटर पर एक फोटो पोस्ट की है। इस फोटो में वो और अभिनेता फिल्म निर्माता एसजे सूर्या एक दीवार के पास खड़े हैं, जिस पर गणेशन की तस्वीर है। बिग बी ने इस तस्वीर का शीर्षक दिया, मास्टर शिवाजी गणेशन की छत्रछाया में दो शिष्य सूर्या और मैं। शिवाजी तमिल सिनेमा के लेजेंड, उनकी तस्वीर दीवार पर सुशोभित है। अविश्वसनीय प्रतिभावान कलाकार, उनका आदर व सम्मान करता हूँ, मैं उनके पाँव छूता हूँ। फिल्मफेयर अवार्ड्स की एक्सक्लूसिव फोटोग्राफ्स। फिल्मफेयर अवार्ड्स फंक्शन में आलिया भट्ट ने सबके सामने रणबीर कपूर से अपने प्यार का इजहार किया। यहां आलिया रणबीर हाथ पकड़े नजर आए। रणबीर कपूर को गाल पर किस करते हुए आलिया भट्ट, ये कपल इस अवार्ड फंक्शन की जान रहा। रणबीर यहां अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ से भी गले मिलते हुए नजर आए। रणबीर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण के साथ भी बातों में मशगूल दिखे। यहां आलिया भी उनकी बातें सुनकर हंस रही थी। रणबीर दीपिका और उनके पार्टनर्स आलिया रणबीर आपस में बेहद कंफर्टेबल हैं। इस अवार्ड फंक्शन में इन सबकी अच्छी ट्यूनिंग दिखी। रणबीर ने सिर्फ आलिया ही नहीं अपनी फिल्म संजू के को स्टार विकी कौशल को भी किस किया, जिसे देखकर आलिया जोर से हंसने लगी। ये वाकई एक फनी मोमेंट था। शनाया कपूर बनी इंटरनेट सेंसेशन। इन दिनों स्टार किड्स एक के बाद एक बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर भी डेब्यू के लिए तैयार हैं, लेकिन वो डेब्यू से पहले ही इंटरनेट सेंसेशन बन गई हैं। उनके ग्लैमरस लुक की वजह से वो सुर्खियों में बनी रहती हैं। कजिन खुशी कपूर और बेस्ट फ्रेंड अनन्या पांडे सुहाना खान के साथ भी उन्हें अक्सर ही स्पॉट किया जाता है। दोनों ने ही एक जैसी ड्रेस पहनी थी। कुछ वक्त पहले शनाया के पिता संजय ने एक इंटरव्यू में कहा था कि डेब्यू के लिए शनाया फिलहाल काफी छोटी हैं। संजय ने बेटी को ट्रोलर्स और किसी भी तरह की न्यूज रिपोर्ट्स पर ध्यान नहीं देने की हिदायत दी है। एक्ट्रेस ने सुनाई आप बीती, निर्माता ने कहा एक रात सोना पड़ेगा। मराठी एक्ट्रेस श्रुति मराठे ने अपने साथ हुए कास्टिंग काउच के वाक्य को ह्यूमन ऑफ बॉम्बे के इंस्टा पेज पर शेयर किया है। एक्ट्रेस से प्रोड्यूसर ने लीड रोल देने के एवज में सेक्सुअल फेवर मांगा था। श्रुति ने कास्टिंग काउच के वाक्य को लेकर कहा, एक बार एक प्रोड्यूसर ने मुझे लीड रोल ऑफर किया। पहले तो वो प्रोफेशनल था, लेकिन बाद में उसने समझौता और वन नाइट जैसे शब्द बोलने शुरू कर दिए। श्रुति के मुताबिक, मैं इस चीज को जाने नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने पूछा अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं, तो आप हीरो को किसी के साथ सुला रहे हैं। ये सुनकर वो चौंक गया। मैंने दूसरों को उनके बिहेवियर के बारे में बताया। इसके बाद उसे प्रोजेक्ट छोड़ने के लिए कहा गया। श्रुति ने लिखा, फियरलेस बनने के लिए मुझे सिर्फ एक मिनट लगा। मैं सिर्फ अपने लिए खड़ी नहीं हुई, बल्कि उन महिलाओं के लिए मैंने स्टैंड लिया जिन्हें जज किया जाता है। श्रुति ने कहा कि मेरे कपड़े मुझे डिफाइन नहीं करते, मेरा टैलेंट, मेरी मेहनत, सक्सेस इस बात को बताता है। मुझे लगता है कि ये सही समय है कि लोग इस बात को समझें। इंटेंस कहानियों वाली फिल्में करना चाहते हैं अर्जुन कपूर। अभिनेता अर्जुन कपूर और ज्यादा इंटेंस फिल्में करना चाहते हैं, और उनका कहना है कि वो पर्दे पर विभिन्न प्रकार के किरदारों जैसे ठग, गैंगस्टर और पिता के रूप में नजर आना चाहते हैं। अर्जुन ने ये पूछे जाने पर कि वो आगे क्या करने की इच्छा रखते हैं, उन्होंने बताया, ये कहना बहुत मुश्किल है कि मैं क्या करना चाहता हूँ या वो करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मुझे एक ठग की भूमिका वाली अच्छी फिल्म करने का मौका नहीं मिला है। मैं एक अच्छी गैंगस्टर फिल्म करना चाहता हूँ, मैं एक पिता की भूमिका निभाना चाहता हूँ और अपनी उम्र की गहरी प्रेम कहानी वाली फिल्म करना पसंद करूंगा। मैं इस समय 33+ हूँ, थोड़ा ज्यादा इंटेंस। सुनील शेट्टी को मिला नोटिस, बेटी की फिल्म में दखलअंदाजी का आरोप। फिल्म मोतीचूर चकनाचूर के निर्माता सुनील शेट्टी से खुश नहीं है। निर्माता का कहना है कि सुनील शेट्टी फिल्म में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रहे थे। मोतीचूर चकनाचूर में सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी अहम भूमिका निभा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोड्यूसर राजेश और किरण भाटिया ने 13 मार्च को एक पब्लिक नोटिस जारी किया था। इसमें साफ किया गया था कि मोतीचूर चकनाचूर के हर पहलू पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ हमारे पास है। सुनील शेट्टी के पास फिल्म से संबंधित कोई अधिकार नहीं है। फिल्म के बारे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा करना, रणनीति तैयार करना, फिल्म की एडिटिंग में दखल देना या किसी भी तरह से फिल्म में इंटरफेयर करने का सुनील शेट्टी के पास कोई अधिकार नहीं है। नोटिस में ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर सुनील मोतीचूर चकनाचूर से दूर नहीं रहे तो ये गोपनीयता के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा। प्री वेडिंग पार्टी में एक दूसरे से नहीं हटी आकाश लोका की नजरें। आकाश अंबानी और श्लोका मेहता की वेडिंग फेस्टिविटीज की अनसीन तस्वीरों के सामने आने का सिलसिला जारी है। मुंबई में शादी से पहले स्विट्जरलैंड में कपल की प्री वेडिंग पार्टी रखी गई थी।
सेंट मॉरिट्स में हुए धमाकेदार सेलिब्रेशन की नई तस्वीरें सामने आई हैं। इस वायरल फोटो में श्लोका झूले में बैठी हुई हैं और आकाश उनके बगल में खड़े हैं। फोटो में श्लोका ने सिल्वर कलर का लहंगा पहना है, ऑफ शोल्डर ब्लाउज उनके लुक को परफेक्ट बना रहा है। श्लोका ने ग्रीन एम्ब्रॉयड नेक पीस भी पहना है। फोटो में वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। इससे पहले श्लोका के मेहंदी सेरेमनी की अनसीन फोटो सामने आई थी। मेहंदी फंक्शन में श्लोका ने अबू जानी संदीप खोसला का डिजाइनर लहंगा पहना था। श्लोका ने फोटो में मल्टी कलर का लहंगा पहना है। श्लोका काश के प्री वेडिंग बैच से राधिका मर्चेंट की भी लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं। फोटो में राधिका रेड कलर के लहंगे में नजर आ रही हैं। उनके साथ डिजाइनर अबू जानी भी मौजूद हैं। अपनी शादी के दिन श्लोका बेहद खूबसूरत लगी। रेड कलर के लहंगे में श्लोका मेहता परफेक्ट इंडियन ब्राइड लगी। आकाश श्लोका की प्री वेडिंग बैच में राधिका मर्चेंट का स्टनिंग लुक देखने को मिला। राधिका ने पार्टी में ब्लू ऑफ शोल्डर थाई स्लिट गाउन पहना था। बता दें, राधिका मर्चेंट को अनंत अंबानी की गर्लफ्रेंड कहा जाता है। कलंक को लेकर भावुक हैं संजय दत्त। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त फिल्म कलंक में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म संजय दत्त के लिए बहुत खास है। इसके पीछे वजह है फिल्म में उनका किरदार। अपने इस किरदार को लेकर संजय दत्त भावुक भी हैं। फिल्म में संजय दत्त के किरदार का नाम है बलराज चौधरी। ये नाम संजय दत्त के पिता एक्टर सुनील दत्त से जुड़ा है। दरअसल बहुत कम लोग ही जानते हैं कि सुनील दत्त का रियल नाम बलराज दत्त है। संजय दत्त अपने पिता सुनील दत्त से बहुत गहरा नाता रखते हैं। सुनील दत्त हमेशा संजय के साथ अच्छे और बुरे हर दौर में खड़े रहे। जब संजय दत्त को कलंक फिल्म में बलराज चौधरी का किरदार निभाने को मिला तो उनके लिए इस फिल्म से इमोशनल कनेक्ट होना जाहिर सी बात है। संजय दत्त को जब भी शूटिंग सेट पर बलराज नाम से पुकारा जाता है तो वो ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। डेविड धवन वरुण धवन को देंगे बर्थडे पर गिफ्ट। पुरानी फिल्मों के रीमेक के बीच एक और पुरानी फिल्म है जिसका जल्द ही रीमेक बड़े पर्दे पर नजर आने वाला है। ये रीमेक गोविंदा की सुपरहिट फिल्म कुली नंबर एक का होगा जिसमें वरुण धवन और सारा अली खान एक साथ नजर आएंगे। इस फिल्म की शूटिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। फिल्म का निर्देशन अभिनेता वरुण के पिता डेविड धवन कर रहे हैं। खास बात यह है कि इसका पहला पोस्टर 24 अप्रैल यानी वरुण के जन्मदिन के दिन रिलीज किया जाएगा। वरुण और सारा दोनों ही इन दिनों दर्शकों के सुपर फेवरेट चल रहे हैं। इन दोनों का एक साथ एक पर्दे पर दिखना किसी जादू से कम नहीं होगा। डेविड इस बात की घोषणा काफी पहले ही कर चुके थे। मायापुरी न्यूज में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।